के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता ने सभी मुंबई वासियों से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया है, जिसके लिए आज मुंबई के मलाड़ में सभी के सपनों का घर 26 लाख में फर्नीचर, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के साथ बनकर तैयार है और कोई लोगों को उनके घर की चाबी भी दिया जा रहा है। और अभी 50 से ज्यादा फ्लैट की बुकिंग होनी बाकी है। जिसे भी आपने सपनों का घर चाहिए वो दादर स्थित आरजू संगठना के कार्यालय से संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि आरजू संगठना के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता गरीब लोगों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए हुए हैं, जिन्होंने हजारों गरीबों का सपना साकार कर दिखाया है। और मुंबई में जो लोग घर हो अपना ये सपना लेकर आते हैं, उनके सपनों को पूरा करने का काम आरजू संगठना ने किया है। अभी तक आरजू संगठना के माध्यम से हजारों लोगों को अपने सपनों का घर मिल चुका है। इसकी जानकारी आरजू संगठना के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता ने CEN न्यूज चैनल के प्रतिनिधि को दिया है। आज जो आप देख रहे हैं, ये हमने मलाड में जो हमेशा कहा है कि सस्ते में घर आएगा, लोग जब 40 लाख का था तो बोल रहे थे अरे बाप रे 40 लाख हमारा बजट नहीं है, फिर 30 लाख पे आए तो बोला 30 लाख मेरा बजट नहीं है। तो अब मैं कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि 26 लाख में ऑल इंक्लूसिव, जिसमें रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, फर्नीचर भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्नीचर भी जो आपने अभी हमारे वीडियो में देखा होगा, जो मैडम ने आपको बताया होगा, तो इस तरह का फ्लैट हम लेकर आए हैं गरीबों के लिए। और मैं कहना चाहूँगा लोगों से, जो इससे भी कम आय वाले लोग हैं तो हम 10 और 15 लाख में भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन लोगों से मेरी अपील है कि जिस तरह के ये फ्लैट्स, अभी हमारे पास ज़्यादा फ्लैट्स बचे नहीं हैं, ओनली 50 फ्लैट्स बचे हैं, तो जो लोग भी है वो दादर ऑफिस में तुरंत आके संपर्क करें और अपना नाम लिखवाए। और जो लोग नाम नहीं लिखवा पाए तो हमारे सेकेंड फेज़ में आए और आप मतलब निराश ना हो जाए कि हमें नहीं मिला वगैरह वगैरह, हर एक को मिलेगा। आरजू ने पहले ही कहा है कि हम मुंबई में जब तक एक एक झोपड़ेवासी को घर नहीं दिला देते तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। तो ये संकल्प की ओर हमारा ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, जो समझ लो वो कदम है। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरा सपोर्ट किया और आज तक जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उसी का ये नतीजा है कि हम 25-26 लाख में मलाड जैसे मुंबई में घर लेकर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में 10 और 15 लाख का भी घर हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हर एक का आरजू है कि अपना खुद का घर हो, और एक कल्पना जो है बहुत ही सालों से चल रही थी, पिछले कई सालों से आरजू यही काम में लगी हुई थी, लेकिन और इसको फास्ट करने के लिए हमारे जो लोग हैं रात दिन मेहनत करके अलग अलग जगह से, कोई बिल्डर जो फंसा हुआ है उनको निकाल के बिल्डर का भी काम हो, और उसी तरह वही पद्धति से अभी हम जो है आरजू जो है गवर्नमेंट से भी संलग्न होने जा रही है। और गवर्नमेंट का जो काम है कि जिनके पास घर नहीं है उन तमाम लोगों को घर मिले, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और इस महाराष्ट्र के बालासाहेब ठाकरे जी ने भी कहा है कि गरीब वर्ग को घर मिले, हर एक को घर मिले, और घर मिलाने के लिए आरजू हमेशा तैयार रहिए। और जो आप कल्पना करिए, जो झोपड़ा नो नहीं मिलता उससे भी कम दाम में यहाँ घर मलार जैसे अच्छे लोकलिटी में घर दे रहे, और आने वाले टाइम पे हम ये प्रयास करें अगर जो गवर्नमेंट हमको ज़मीन देती है तो हम 10 लाख रुपए में भी मुंबई में हम घर दे सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट जो है हमारी बात सुनेगी और पब्लिक की बात सुनेगी और हमको ये काम दे तो हम लोग जो है लोगों को घर दे। मुंबई में तो कर रहे हैं लेकिन मुंबई के बाहर भी सस्ता घर, जिसकी बजट और कम है उन लोगों के लिए भी 6 लाख रुपये से लेके करीब 10-12 लाख रुपये तक भी हम घर देने का काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में 18 जगह पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, आरजू का प्रोजेक्ट 18 जगह पे कर रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में भी काम से जोरों से काम में लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारी बात प्रधानमंत्री भी सुनते होंगे, यहाँ का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी सुनते होंगे, और वो हमें बुलाए और हमको कोई प्लानिंग दे, हमको कुछ काम दे, तो हम ये मुंबई शहर में झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई कर सकते हैं। और हर इंसान को अपना पक्का घर, उनका सपना जो है, जो हमारे पूर्वजों का जो सपना है हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संस्थे तरफे हम लोग ये इधर विजिट देने के लिए आए थे मालाड में, तो मालाड में जो हम लोग ने अभी घर देखा, जो आरजू संस्था ने हम लोग को दिखाया, वो बहुत अच्छा है। जो
फैमिली, छोटी फैमिली है, लेकिन वो अपने मुंबई में जो छोटा घर कम भाव से ले रहे, क्यों कम भाव से दे रहे, वो ले सकते। जैसे कि मुंबई में अपने को 35-40 लाख में तो फ्लैट मिलेगा ही नहीं, लेकिन अपने यहाँ आरजू संस्था ऐसी है कि वो कम भाव से, मतलब अपने बजट में, जितना अपना बजट होता है 25-26 लाख में अपने को मालाड एरिया में, जो मुंबई शहर में रह सकते वो एरिया में 25 या 26 लाख में अपने को मालाड में रूम दे रहे हैं। और वो 1 BHK, जो वन छोटी फैमिली है वो रह सकती है वहाँ आराम से, मतलब उसमें बेड दिया है, किचन दिया है, हॉल है, जैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे अपना बजट है उनके हिसाब से हम लोग ये इधर रह सकते हैं। और अच्छी संस्था के माध्यम से अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, जो अपनी आरजू ये संस्था अपने को, जो लोग सचमुच गरीब है, जो अपने को ले नहीं सकते, वो ये रूम ले सकते हैं। अच्छा है, एरिया अच्छा है, शांत है, अभी गार्डन भी दे रहे हैं उधर। ये 50 फ्लैट है अपने यहाँ, तो 50 फ्लैट अभी बुक कर रहे हैं आरजू संस्था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।